हिमाचल प्रदेश में दो प्रमुख दलों को टक्कर देने के लिए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित की गई पार्टी तैयारी में है। लोकसभा चुनावों में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने हिमाचल की चारों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी पूरी कर ली है। हमीरपुर में पार्टी के चेयरमैन जे सिंह ने कहा कि पार्टी जनता की सेवा करने के ध्येय से चुनावों में उतरेगी। इसके लिए पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा आने वाले कुछ दिनों में करेगी। चेयरमैन जे सिंह ने कहा कि आर्थिक समाजवाद के खिलाफ पार्टी लड़ाई लड़ेगी और जनता के हितों से किए जा रहे खिलवाड़ के खिलाफ पार्टी अपनी आवाज बुलंद करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान में केंद्र में सत्तासीन पार्टी ने कुछ एक उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए काम किया है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। जे सिंह ने कहा कि पार्टी के एजेंडे में पुरानी पेंशन पॉलिसी को बहाल करने के साथ विधायकों और सांसदों को वेतन भत्ते में सरकारी कर्मचारियों के अनुसार देना मुख्य होगा। वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा भी पॉलिसी में शामिल होगा, जिनको लेकर पार्टी लोगों के बीच में चुनावों में जाएगी। देखिए, हमारी पार्टी जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित पार्टी है, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सन 1939 में खड़ी की थी। हमारी पार्टी का नाम है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसका चुनाव चिन्ह है शेर। हम पूरे भारतवर्ष में चुनाव लड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में हमारी पार्टी सभी चार सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हमारे उम्मीदवार जो हैं सामान्य जनता के बीच में से ही आ रहे हैं और हमारा उद्देश्य जो है वो जनता की सेवा करना है। कहते हैं कि जनता की सेवा करने के लिए सोच होनी चाहिए, तो हमारी सोच वही है जो सन 1939 में इस पार्टी को खड़ा करते वक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस की थी। हमारी पार्टी की जो विचारधारा है उसी के अनुसार हम चुनाव में उतर रहे हैं। हमारी पार्टी के जो एजेंडा है वो है आर्थिक साम्राज्यवाद के खिलाफ जनता को जागरूक करना और लड़ना। देखिए, जनता को ये पता ही नहीं है कि आर्थिक साम्राज्यवाद है क्या। आर्थिक साम्राज्यवाद पूंजीवाद का दूसरा रूप है। पहले पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया जाता था, आज बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को बढ़ावा देने के लिए जो जनता है उसके हितों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पुरानी पेंशन पॉलिसी देखने में आया है कि जो लोग, जो हमारे कर्मचारी रहे हैं, उनकी पुरानी पेंशन पॉलिसी को इन्होंने बंद कर दिया था, उसके जगह न्यू पेंशन पॉलिसी लेके आए हैं। हमारा ये कहना है कि अगर न्यू पेंशन पॉलिसी अगर लेके ही आनी है तो क्यों ना वो विधायकों और सांसदों के लिए भी लागू हो, क्यों ना उनके जो भत्ते हैं वो उसी प्रकार दिए जाएं जैसे कि सरकारी कर्मचारियों को अन्य को दिए जाते हैं। हमारा जो चौथा मुख्य एजेंडा है वो ट्रिपल एस का है। ट्रिपल एस का मतलब है एक एस शिक्षा, दूसरा एस स्वास्थ्य सुविधाएं, तीसरा एस सुरक्षा। आज की तारीख में पार्टियां जो हैं सेना का ध्रुवीकरण कर रही हैं। सेना एक राजनीतिक, किसी भी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करती हैं। जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है और जो सरकार होती है, सेना का काम होता है उसके आदेशों को अमली जामा पहनाना। सन 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे, उस टाइम सरकार थी कांग्रेस पार्टी की। तो केवल कांग्रेस पार्टी ने दो टुकड़े किए थे, उसके दो टुकड़े करने वाले थे सैनिक। उसी प्रकार आज की तारीख में अगर सैनिक बॉर्डर पर लड़ रहे हैं या काम कर रहे हैं तो वो सरकार के आदेश पर कर रहे हैं, परंतु सरकारों का ये काम नहीं है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो भाजपा पार्टी हो या कोई अन्य पार्टी हो, कि भय सैनिकों का ध्रुवीकरण करें कि हमने किया। सरकार आपकी है, करना बनता है, आपका औचित्य है, आपका दायित्व है कि देश की रक्षा करें, लेकिन सैनिकों की शहादत और सैनिकों के बलिदान, उनके शौर्य को अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पार्टियां ना करें।